लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड से चाक खुली हुई फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है। अगर आप पतले दुबले हैं तो आप इसे 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को सिंगल कर लेंगे। सिंगल करने के बाद हम चौड़ाई से इस कपड़े को डबल करेंगे, यानी किनारी से किनारी मिलाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद इसकी एक तह और बनाएंगे, यानी हम कपड़े की कर लेंगे 4 तह, ये देखिए। अब हम इस फ्रॉक की कोटी की कटिंग करेंगे। पहले ऊपर वाले हिस्से की जो कोटी होती है उसकी कटिंग करेंगे। 4 तह हो चुकी हैं। सबसे पहले कोटी की लंबाई लेंगे। हमें जो तैयार फ्रॉक बनानी है वो 40 इंच की बनानी है। तो 40 इंच हमारी तैयार लंबाई है। अब हम इसकी कोटी की लंबाई देखेंगे। तो कोटी हमें जो बनानी है वो तैयार 15 इंच की बनानी है। आप 13 से 15 इंच तक रख सकते हैं। 15 की तैयार बनानी है, इसलिए मैं 16 पे निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। ऐसे ये लंबाई हो गई। अब हम इसमें सूट की तरह सेम ड्राफ्ट लगाएंगे, बंद भाग की तरफ से तीरे का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच तीरा, 7 इंच मुड्ढा, फिर चेस्ट का चौथाई भाग, उसमें 1.5-2 इंच प्लस, यहाँ पर कमर का चौथाई भाग और उसमें प्लस करेंगे। इस तरह से गोलाई कर देंगे लगभग 1 इंच की, यानी हम बिल्कुल सूट की तरह ड्राफ्ट लगा लेंगे ऊपर के हिस्से का। कटिंग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी फ्रॉक की जो कोटी है वो कट चुकी है। इसमें हम गले की कटिंग और जो आगे के मुड्ढों की थोड़ी आर्म होल की कटिंग होती है वो हम बाद में करेंगे। अब हम काटेंगे फ्रॉक का घेरा। तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, सबसे पहले इसको फैला लेंगे, हम सिंगल कर लेंगे। अब हम देखेंगे 15 इंच की तो हमने कोटी निकाल दी 40 में से, तो हमारे पास बचता है 25 इंच। अब जो लंबाई हमारे पास बचती है वो 25 इंच बचती है, तो हम 25 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसमें हम 2 इंच सिलाई के लिए जोड़ देंगे। यहीं से हम कपड़े को डबल कर देंगे, कटिंग कर देंगे इसके बाद। ऊपर से हम अलग कर लेंगे जुड़ा हुआ कपड़ा है, ये देखिए। बस सीधी सीधी कटिंग होनी है इसकी। यहाँ पर कुटका लगा देंगे 4 तह करके, और इसको अब हम हटाकर रख देंगे, ये देखिए। ये घेरे की कटिंग हो गई। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल करनी है हमें, सूट के जैसे। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाजू की कटिंग का। चाहे आप हाफ स्लीव्स बनाएं या फुल स्लीव्स बनाएं, तो ये देखिए बाजू की कटिंग मैंने कर ली है, बिल्कुल नॉर्मल बाजू की कटिंग हुई है। हटाकर रख देंगे। अब हम लेंगे कोटी। कोटी में हम गले की कटिंग करेंगे और आर्म होल का जो हिस्सा है आगे का उसकी कटिंग करेंगे। एक पीस हम सिंगल कर लेंगे, ये आगे वाला पीस है, तो इसमें हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे जैसे सूट में करते हैं, सीधी लाइन से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे ही कर लेंगे। इस पर निशान लगा के कटिंग, ये आगे के पीस की कटिंग हो गई है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ टुकड़ा था, इसको हम बंद भाग से बंद भाग मिलाकर रख लेंगे और गले का ड्राफ्ट लगा लेंगे 2.25 इंच पे, लंबाई जितनी हमें पहननी है। और इस तरह से गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर ऊपर की पट्टी अलग हटा देंगे और उसकी हम 1 से 1.5 इंच फालतू कटिंग कर देंगे। अब ये पट्टी इस तरह से सीधे पे सीधा रख के, सीधी कोटी पे सीधी पट्टी रख कर सिलाई हो जाएगी। मशीन के एक पैर के लगभग इतनी चौड़ी हम सिलाई लगा देंगे इसमें। तो ये हमारे आगे का पीस हो गया कोटी के। अब हम कोटी के पीछे का पीस लेंगे। इसमें हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे,
चौड़ाई सेम लेते हुए लंबाई इच्छा अनुसार, मैं छोटे गले ही पहनती हूँ तो मैंने 3.5 ली है, आप जितना चाहें ले सकती हैं। और ये गला हम बनाएंगे ओरेप पट्टी से, यानी आड़ी पट्टी से। चलिए अब सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है आगे वाले गले पर, मशीन के लगभग एक पैर की इतनी चौड़ी सिलाई लगाई है और हल्के हल्के से इसमें मैंने कट लगाए हैं। और ये जो अंदर का हिस्सा है इसको मैंने प्रेस से मोड़ लिया है। अब हम इस तरह से इसको पलटकर इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे गले की, पूरे गले में लगा लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसकी उल्टी तरफ तुरपाई कर लेंगे और गले को तैयार कर देंगे तुरपाई करके। पहले कच्चा कर लो, फिर तुरपाई कर लो। ये देखिए, तुरपाई कर ली है मैंने और कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला बन चुका है। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। तो पीछे के गले में हम लगाएंगे ओरेप पट्टी यानी आड़ी पट्टी। जिस तरह से भी आप लगाते हैं वैसे लगा लें। मैं सिंगल पट्टी लगाती हूँ पहले, तो इस तरह से ही लगा रही हूँ, खींचते नहीं हैं हम पट्टी। ये देखिए, पट्टी लगने के बाद हल्के हल्के कट लगाएंगे, सिलाई से पीछे की तरफ ही लगाते हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से इसको हम सिलाई सिलाई के ऊपर पट्टी को मोड़ देंगे। अभी ये एक बार और पलटी जाएगी, इसके बाद बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको पट्टी को अंदर की तरफ पलटकर चाहे तुरपाई कर दें या सिलाई कर दें, लेकिन उससे पहले हम इसमें आगे वाला पीस जोड़ेंगे, सीधे पे सीधा रखेंगे और कंधे पे इसके सिलाई लगाएंगे, तीरे वाले हिस्सा जो होता है उस पर। पीछे वाली पट्टी हमें लौटनी है, इसलिए बाहर को निकाल के रखेंगे पट्टी को। इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए, ऐसे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ कंधों पे सिलाई लगने के बाद हम इस पट्टी को मोड़ेंगे, जो पीछे वाले गले की पट्टी है इसको। ये देखिए, ऐसे इस तरह से मोड़कर इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि मैं ये तुरपाई वाला नहीं बना रही हूँ, सिलाई वाला गला बना रही हूँ। इस तरह से इस पट्टी की किनारी पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिलाई से रिलेटेड या मोहरी डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। ये देखिए, इस तरह से हमारा आगे और पीछे का गला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गले दोनों बने हैं। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग की सिलाई। अगर हम पहले ही फिटिंग लगा लेते हैं दोनों में तो बहुत अच्छा लुक आता है फ्रॉक में, झोल नहीं आती है साइड में। तो फिटिंग लगा लेंगे हम निशान पर इस तरह से, बहुत ही अच्छा लुक देती है ये फ्रॉक और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एक तरफ फिटिंग लगा ली, सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए, कोटी हमने फिटिंग वगैरह लगाकर तैयार कर ली है। हम चाहें तो बाजू इसमें पहले भी लगा सकते हैं फिटिंग से पहले, लेकिन मैं गोल बाजू चढ़ाती हूँ इसलिए मैं इसमें बाजू बाद में लगाऊंगी। अब हम इसके घेरे को तैयार करेंगे, जो नीचे का फ्रॉक का घेरा है उसको। तो ये हमने घेरा ले लिया है। अभी हमारे घेरे की 4 तह हो रखी हैं, हमने 4 तह करके रखा था इसको। हमें इसमें चाक खोलने हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं खोलना है, नहीं तो वो कमर तक आ जाएंगे चाक। हमें थोड़ा नीचे सिलाई लगानी है। ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कोटी में जुड़ेगा, तो वहीं से मैंने 8 इंच पर कुटका लगाया हुआ है। आप 6 इंच से लेके 8 इंच तक लगा सकते हैं, तो मैंने 8 इंच पर कुटका लगाया है। ये देखिए, अब हम जहाँ तक हमने कुटका लगाया है वहीं तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कुटके तक ही सिलाई लगानी है हमें और वहीं से सिलाई को वापस ले लेना है, डबल सिलाई कर लेनी है।
ऐसी ही सिलाई हमें दूसरी तरफ भी लगा लेनी है इसमें। और ये देखिए इस तरह से ये हिस्सा हमने बंद कर लिया है, ये जुड़ गया है हिस्सा। और जो नीचे का हिस्सा हमारा खुला हुआ दिख रहा है उसमें हमें चाक की तरह मोड़ना है, ये वाले हिस्से को मोड़ना है नीचे वाले को। तो ये देखिए इस तरह से किनारी वाला हिस्सा है इसलिए मैं इसको सिंगल ही मोड़ लेती हूँ, अगर किनारी ना हो तो आप इसको डबल मोड़ सकते हैं। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे, चाक की तरह मोड़ लेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से हम दोनों तरफ के चाक मोड़ लेंगे और ऐसे ही हम सेम दूसरी तरफ भी इसको कर लेंगे। ये देखिए चाक मोड़ लिए हैं मैंने, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी रख सकती हूँ, ये तैयार है बिल्कुल, या फिर हम इस पे लेस या कुछ पट्टी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर लगा रही हूँ जो इसके नीचे प्लाजो है उसकी पट्टी, तो वो हमें कैसे लगानी है देखते हैं। ये देखिए ये मैंने इसके प्लाजो का जो कपड़ा है उसको काटकर पट्टी बनाई है, 2 इंच की मैंने पट्टी काटी थी और उसको मैंने प्रेस से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया है, प्रेस कर ली है मोड़ कर। अब हम इस पट्टी को सीधी तरफ से इस तरह से लगाएंगे, चाक के ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ऐसे आप इसी तरह से कोई लेस भी लगा सकते हैं या आप बिना पट्टी या लेस के भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से काट लेंगे और इसको पलट देंगे, ऊपर से मोड़ लेंगे। हमने पट्टी की कटिंग तिरछी की है ऊपर से, तो यहाँ से ये मुड़ेगी भी थोड़ी तिरछी। और इस तरह से इसको पलटकर सिलाई लगाएंगे और फिर से हम नीचे तक सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये हमने एक चाक पे पट्टी लगा ली है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगाई है हमने पट्टी। अब हमें सेम इसी तरह से इसके बराबर वाले चाक पे पट्टी लगा लेनी है, जैसे हमने ये पट्टी लगाई है सेम वैसे ही देखिए इस वाले चाक पे लगा लेनी है। और इसी तरह से ही हमें दूसरी तरफ के चाकों पे भी पट्टी लगा लेनी है और इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ पट्टी लगाकर तैयार कर ली है, आगे पीछे दोनों तरफ चाक पे लगाई है हमने पट्टी इस तरह से। ये देखिए इस तरह की दिखती है ये पट्टी लगने के बाद। अब हम इसको कोटी में जोड़ेंगे घेरे को, तो ये हमारी कोटी है, इसमें हम इस घेरे को जोड़ेंगे इस तरह से रखकर। चाहे तो हम इसमें सिंपल प्लेट डाल दें लेकिन मैं इस घेरे में बॉक्स प्लेट डाल के जोड़ूंगी। तो दोनों की हमारी फिटिंग भी हो चुकी है, ये कोटी है, कोटी को हम सीधा ही रहने देंगे और जो हमारा घेरा है उसको हम उल्टा कर लेंगे। देखिए उसको उल्टा कर लेंगे, घेरे में हमने कुटका लगाया हुआ है बीचों बीच, ऐसा ही कुटका हमने कोटी में भी लगाया हुआ है। इस तरह से कोटी अंदर डालेंगे पहले घेरे के, ये देखिए, और जो हमने कुटका लगाया हुआ है थोड़ा छोटा कुटका है इसको बड़ा कर लेंगे हल्का सा दिखे ताकि, ये देखिए कोटी में भी हमने कुटका लगाया है बीचों बीच और घेरे में भी। अब हम कुटके से कुटका मिलाकर रख लेंगे और इस तरह से घेरे में प्लेट डालेंगे। कोटी हमने नीचे की तरफ रखी है, घेरा ऊपर की तरफ, और एक से एक इंच ही समझ लीजिए, 1/4 इंच से 1 इंच के इतनी हम चौड़ी प्लेट डालेंगे। प्लेट का मुंह हमने पहले रखा मशीन की तरफ और अब रखेंगे अपनी तरफ,
और नीचे से हम प्लेट को मिला के रखेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट, जैसे ऊपर से मिला रहे हैं, यानी बॉक्स वाली प्लेट हम इसमें डालेंगे। और इस तरह से हम पूरे घेरे में प्लेट डालते चले जाएंगे। ये देखिए, पहले हम आधे हिस्से में डालेंगे, यानी पूरी फ्रॉक के चौथाई भाग में। ये सिलाई से सिलाई मिला लेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम आधे हिस्से में प्लेट डाल चुके हैं। सेम ऐसी ही प्लेट अब हम दूसरे आधे हिस्से में डालेंगे। कोटी के आधे हिस्से में हमने प्लेट डाल ली है, ऐसे ही हम दूसरे आधे हिस्से में डाल रहे हैं। सेम वैसे ही बिल्कुल बॉक्स प्लेट, एक प्लेट का मुंह अपनी तरफ, एक प्लेट का मुंह मशीन की तरफ, इस तरह से हम डालते चले जाएंगे प्लेट। बीचों बीच प्लेट डलनी चाहिए, साइड से अगर एक दो इंच हमारा प्लेन भी रह जाए तो भी कुछ नहीं है। इस तरह से ये देखिए, फिर से सिलाई के जो साइड वाला जोड़ है वहाँ तक हमारी प्लेट डल गई है। और ये इस तरह से हमारे एक हिस्से में प्लेट डल गई हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ प्लेट्स डली हैं, ये बॉक्स प्लेट। ऐसे ही सेम हम दूसरे हिस्से में डाल लेंगे, यानी फ्रॉक के पीछे वाले हिस्से में हमने पहले प्लेट डाल ली, अब आगे वाले हिस्से में डल जाएंगी सेम ऐसी ही प्लेट्स। प्लेट डालने के बाद हम नीचे का जो घेरा है इसको मोड़ लेंगे। पट्टी लगाने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है घेरे का, उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए हमने ये फ्रॉक बिल्कुल तैयार कर ली है। नीचे का घेरा मोड़कर, बाजू लगाकर, प्लेट्स डालकर ये फ्रॉक हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये पहनने पर भी बहुत अच्छा लुक देती है। ये देखिए, आप इसे प्लाजो के साथ, पैंट के साथ, किसी के साथ भी, ट्राउज़र के साथ पहन सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप भी ये फ्रॉक ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इसको सिलकर देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।